हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना किचन रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार पकोड़े। ये पकोड़े की रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए आज हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी पकौड़े बना करके तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इनको बनाने के लिए ले ली हैं थोड़ी सी सब्ज़ी, इसमें टमाटर लिए हैं और ये ले ली हमने प्याज, ये बैंगन ले लिए हैं। अब आप चाहें तो इसकी जगह कोई और सब्ज़ी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं से पकोड़े बना करके तैयार करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज को कट करेंगे। तो देखिए हमने प्याज को रिंग शेप में कट किया है और हमारी जो प्याज है वो अच्छे से कट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको रख देते हैं प्लेट में। इसके बाद यहाँ पर हमने ये ले लिया है टमाटर और अब हम टमाटर को भी इसी तरह रिंग शेप में कट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे टमाटर थे वो अच्छे से कट हो चुके हैं, तो देखिए इन्हें भी हमने प्लेट में रख लेना है। और इसके बाद यहाँ लास्ट में हम कट करेंगे बैंगन। बैंगन को भी हमने गोलाई में इसी तरीके से कट करना है, क्योंकि हम तीनों सब्जी को ऊपर नीचे रख करके पकोड़े बनाएंगे, तो हमने सेम साइज़ में कट करना है इनको। फाइनली जो हमारी सब्जियां थी वो अच्छे से कट हो चुकी हैं और इन्हें कट करने के बाद हम इनके लिए बेसन से पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर ये बाउल ले लिया और उसमें डाला है 1 कप बेसन जो कि 100-150 ग्राम के आसपास है। 1 चम्मच हमने इसमें ऐड की है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके बाद यहाँ पर ये ले लिया हमने 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ले लिया हमने 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, ये थोड़ी सी क्रश्की हुई अजवाइन। तो देखिए अब हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पानी। पानी को हमने बेसन में एक साथ नहीं डालना है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि जो हमारा बेसन का पेस्ट है वो एकदम परफेक्ट बने। हमने इसको ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं, इससे जो हमारे पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर चावल के आटे का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो हमारा बेसन था वो मोटा था। तो आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है जो हमारा पेस्ट है। अब हमने ये ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन जिसमें ये डाला है हमने थोड़ा सा सरसों का तेल। हमने यहाँ पर बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, ज़्यादा तेल हमने यहाँ नहीं लेना। अब हम तेल को एक साइड गर्म होने के लिए रख देंगे और इसके बाद ये ले लिया हमने पेस्ट और ये ले ली है सब्जी जो कि हमने पहले ही कट करके रख ली थी। ये हमने कट किया हुआ बैंगन ले लिया है और बीच में ये रख लिया है हमने कट किया हुआ टमाटर। ऊपर से हम रख देते हैं इस पर प्याज। टमाटर को हमने बीच में ही रखना है क्योंकि टमाटर जो है वो पानी छोड़ता है। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से बेसन के पेस्ट में डिप कर लेंगे। हमने अच्छे से इनको डिप कर लेना है और अब जो हमारा ये सब्जियाँ हैं वो अच्छे से बेसन में हो चुकी हैं। यहाँ हमारा जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरीके से हमने बहुत ही केयरफुली के साथ सभी पकौड़ों को डाल लेना है। हमने यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पकोड़े हैं वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको चिमटे की हेल्प से इस तरह पलट लेंगे ताकि जो दूसरी साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। हम इनको दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इनको थोड़ा सा और क्रिस्पी करने के लिए 1 से 2 मिनट तक के लिए इसी तरह पलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। इसी तरीके के जो हमारे पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको ये हमारी इतनी इजी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। यह आपकी फैमिली में बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखें जो हमारे पकोड़े हैं बन करके तैयार हो चुके हैं, हमने निकाल लिया है इन्हें प्लेट में जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो चलिए जो हमारे बाकी के बचे हुए पकौड़े हैं उन्हें भी हमने इसी तरीके से बहुत ही केयरफुली के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो हमारे सभी पकोड़े हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं, वो भी बहुत ही कम वक्त में और झटपट से। और अब हमने इन्हें सर्व किया है ग्रीन सॉस के साथ, जो कि आप इन्हीं एक तरह के पकोड़ों से 3 तरह के पकोड़ों का टेस्ट ले सकते हैं। ये देखिए एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी बने हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें।